दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आज की डेट पे बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बन चुका है। चाहे आपको करना हो छोटा मोटा रिचार्ज, या करना हो कहीं भी फंड ट्रांसफ़र, या फिर चाहिए होगा आपको कभी भी पैसा या लोन, तो ऐसे में बैंक के पास ही आप जाते हैं। मगर बैंक ऐसे में आपसे कई सारे डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड करता है, या फिर जैसे आज की डेट पे आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, तो या फिर आपको चाहिए पैन कार्ड। तो अगर मैं एक बात ऐसे कहूँ कि दुनिया में एक बैंक ऐसा भी है जहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं पेश करना है, सिर्फ आपको आपकी उंगलियों से ही वहाँ पे काम हो जाता है, तो आइए जानते हैं उस बैंक के बारे में, ऐसा कौन सा है वो बैंक। डॉक्यूमेंट्स के झंझट से जूझ जापान का ओगाकी कायोरित्सु बैंक। ये बैंक जापान में स्थित है और इस बैंक की खासियत ये है कि जो अपने कस्टमर हैं इस बैंक के, उनको वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स के लोन प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा बैंक के किसी भी ट्रांजैक्शन को ये इजीली तरीके से आपके प्रोसेस करता है। जी हाँ, ये बैंक जो है 2012 में इस बैंक ने स्टार्ट की थी। एक्चुअली 2011 में जहाँ का जो सुनामी और जो अर्थक्वेक आया था, उससे कई सारे लोगों ने अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो खो दिया था, और काफ़ी उनके घर के साथ ही वो उनकी सारी जितनी आइडेंटिटी है वो सारी लॉस्ट हो चुकी थी। तो इस पे बैंक ने क्या सोचा कि अगर इस तरीके से चलेगा तो उनके कस्टमर्स को भी काफ़ी नुकसान होगा, तो उन्होंने ये तय किया कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इसके वजह उन्होंने इनकी जो है बायोमेट्रिक को ही सेट कर लिया। यानी कि जो जितने भी वहाँ के लोग हैं, जापानी लोग हैं जिनका इस बैंक में अकाउंट है या फिर नया अकाउंट खोलते हैं, तो उनके बायोमेट्रिक को वो स्कैन करके अपने पास रख लेते हैं। अगर फ्यूचर में उनको किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन करनी है, पैसा लेना है या देना है, रखना है, तो उस केस पे क्या करते हैं, वो सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं और आपको सारा ही जो भी इजीली आपके ऑथराइज कर देते हैं आपको पैसे रखने या निकालने के लिए। साथ ही अगर आपको कोई भी लोन चाहिए होगा तो उसके लिए भी ये कोई आपसे कोई इसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं करते हैं, सिंपली आपका हाथ स्कैन करके आपको तुरंत ही लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो लोन प्रोवाइड करने की जो इनकी लिमिट है वो है करीबन 2 मिलियन येन। येन क्या है कि जापान की करेंसी है, जैसे कि डॉलर या इंडियन रुपीज़ जो होती है उसी तरीके से येन वहाँ की करेंसी है। तो तकरीबन इंडिया के हिसाब से वो बैठती है 11,20,000 रुपये। वो उनको इंस्टेंटली मिल जाते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि भारत में होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स काफ़ी रिक्वायर्ड होती है, तो पर वहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायर्ड नहीं रखी इस बैंक ने। तो 2012 के बाद ये जो है उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रही है, और करीबन इस समय जो है उनकी 6 ब्रांच, इस समय 6 ब्रांच हैं ऑल ओवर जापान के अंदर। 3 मिलियन कस्टमर हैं, करीबन 30 लाख लोग, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ है। ऐसी चीज़ हमारे इंडिया में होनी लगभग होनी चाहिए, जिससे कि कई सारे, जैसे कि हिमालयन सुनामी अभी आई थी हमारे उत्तराखंड में, या फिर कई जगह जो सुनामी आई थी हमारे इससे पहले भी, तो उसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो लोग अपनी आइडेंटिटी या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को लूज़ कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए यही एक अपडेट सी मेरी ओर से, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और हाँ, और आपको कोई भी इश्यू होता है या प्रॉब्लम होती है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं नीचे या फिर मेरे को मेल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।